हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी कोमल। नेचर स्किन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हमने इसलिए वीडियो बनाया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी किसी एक वीडियो के लिए, वो थी PCOD, क्योंकि मैं स्किन केयर और हेयर केयर तो वीडियो बनाती ही हूं, पर सॉरी स्किन केयर और हेयर केयर बनाती हूं, हेल्थ केयर नहीं बना पाती। तो किसी ने मुझे पूछा, शायद फीमेल्स को प्रॉब्लम थी, तो PCOD के लिए मुझे बहुत डिमांड आई थी कि इसके बारे में कुछ वीडियो बनाओ या कुछ हमको ऐसी चीज़ बताओ जिससे हमारे PCOD कंट्रोल में आए, या कुछ हमको नॉलेज दो उसके बारे में कि ये क्या होती है, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इंडिया में क्या फुल वर्ल्ड में 60% फीमेल्स को ये चीज़ होती है, बट उन्हें पता नहीं होता क्योंकि हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है अभी शुरुआत है, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, नहीं हुई तो आफ्टर मैरिज ठीक हो जाएगी, ऐसा ही हम लड़कियों को सुनना पड़ता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज़ शादी के बाद, शादी से पहले नहीं हो सकती। एक दो बार अगर वो हो रही है तो हो सकता है कि वो ठीक हो जाए, पर अगर वो बार बार हो रही है मीन्स वो ठीक नहीं होगी। इसका मतलब है कि उसकी हमको कोई ना कोई दवाई करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई ना कोई हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा या ट्रीटमेंट खुद करना पड़ेगा। तो आज जिस बारे में बात कर रही हूँ वो है PCOD। PCOD का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। ये एक ऐसी बीमारी होती है जो फीमेल्स को होती है, और इस बीमारी का पता कैसे लगा है? इसके कुछ लक्षण होते हैं, इसकी कुछ ट्रीटमेंट भी होते हैं ठीक करने के। तो इसके लक्षण ऐसे होते हैं कि अगर आपको इनरेगुलर पीरियड्स आते हैं, वैसे पीरियड्स का एक सर्कल जो होता है वो होता है 28 days to 40 days। इसके अंदर किसी फीमेल को पीरियड्स आने चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं, ये 40 days के बाद आ रहे हैं, मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर है ही है। नेक्स्ट, अगर किसी को बार बार आ रहे हैं, मंथ में 2 बार आ रहे हैं, 3 मंथ में 4 बार आ रहे हैं, किसी को बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब वो भी इनरेगुलर पीरियड्स हैं। ये भी सही नहीं है क्योंकि 28 days का ही सर्कल होता है जो कुछ प्रॉब्लम से 40 days तक का हो सकता है। 40 days से अगर ऊपर होता है, एक बार दो बार तो ठीक है, अगर ज़्यादा बार हो रहा है मीन्स इधर कोई प्रॉब्लम आ रही है फीमेल की बॉडी में। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं गर्ल्स के अंदर, तो उसके अंदर जो दोनों ओवरी होती है उसमें से एक ओवरी या दो ओवरी, दोनों ओवरियों में ऐसा होता है कि वो लार्ज होती जाती है, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है, एग प्रॉपर नहीं बनता। तो जब छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पीरियड्स आ जाते हैं, हमको लग रहा है कि हाँ हमको पीरियड्स तो आ रहे हैं, पर एक सिस्ट से पीरियड्स आना और एक प्रॉपर एग बनना, रिसाइकिल पूरा साइकिल चलने के बाद, वो दोनों में अंतर होता है। तो इसी बारे में था ये वीडियो कि कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट है, उसे क्या करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आपको ये चीज़ है पर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से पता लगाएं, सोनोग्राफी करवाएं, किसी से ट्रीटमेंट लेने से पहले आप एक बार पता करते कि आपको PCOD है, या एक और इसकी जैसे सिमिलर बीमारी होती है वो है PCOS। वो थोड़ी अलग होती है, पर वो भी सेम पीरियड्स के लिए ही होती है। उसके कुछ लक्षण अलग होते हैं, उसके कुछ ट्रीटमेंट्स अलग होते हैं। अगर आप इस सोनोग्राफी में पता लगाएगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा। इसके लक्षण आपको ऐसे दिखेंगे कि आपके बहुत ज़्यादा फेशियल ग्रोथ हो रही है, गर्ल्स की नहीं होनी चाहिए, पर अगर वो चिन पे या चिक पे आपको फेशियल ग्रोथ अलग टाइप की आपको दिख जाएगी, अगर वो हो रही है इट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है। अगर बहुत ज़्यादा पिंपल निकल रहे हैं, पर हम पिंपल को समझ नहीं पाते क्योंकि पिंपल्स तो बोलते हैं कि इस एज में, टीन एज में जब हम उनको हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं, पीरियड्स आ रहे हैं तो निकलते हैं, तो हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि ये तो हार्मोन चेंजेस की वजह। पर अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं, या आपके फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है, या सडनली आपका वेट नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है, आपके बाल बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, तो हमें पता लगना चाहिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर वो इन सब के साथ पीरियड्स इनरेगुलर हो रहे हैं, पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और वो एक सेम कंडीशन जैसी नहीं रहती जैसे एक नॉर्मल पीपल की, नॉर्मल फीमेल की होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें पता लगाना चाहिए कि हमको PCOD है या कोई और अदर प्रॉब्लम है, PCOS है या कोई नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस की इनबैलेंस की प्रॉब्लम है। तो पहले तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से ही पता लगाएं, सोनोग्राफी करें, उसमें आपको बिल्कुल साफ मालूम पड़ जाएगा कि आपको क्या डिजीज़ है, या सिर्फ नॉर्मली एक दो बार की वजह से ऐसा हो रहा है। तो पहले आप इस बारे में पता लगाइए, एंड देन फिर हमें क्या करना होगा, इसका ट्रीटमेंट करना होगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आप जाओगे गायना के पास तो वो आपको बहुत सारी मेडिसिन देगी, पर वो एक परमानेंट सलूशन नहीं है, वो एक
टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, क्यों? क्योंकि आप कुछ दिन तक वो दवाइयाँ लेंगे, एक कोर्स होता है, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर का कोर्स होता है, वो आपको 21 डेज वाली दवाइयाँ देती है, नॉर्मल दवाइयाँ देती है कि वो आपको इंसुलिन को कवर कर सके, ऐसी वो बहुत सारी दवाइयाँ देगी। तो 6 मंथ 3 मंथ तो आपके पीरियड्स बिल्कुल सही तरीके से आएंगे क्योंकि उनकी मेडिसिन की वजह से आएंगे, पर उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हारमोन्स, हमारी ओवरीज उस गोलियों के, उस मेडिसिन के हिसाब से ही काम करना स्टार्ट कर देगी, एंड देन फिर बाद में वो चीज़ बिगड़ जाएगी। पर हाँ, अगर गायना आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा है, एडवाइस जो मैं आपको देने वाली हूँ वही एडवाइस वो दे रहा है, और आप उस ट्रीटमेंट के बाद भी वो एडवाइस को ले रहे हैं और परमानेंट उसको अपनी कंटिन्यूसली लाइफस्टाइल में ले रहे हैं, तो फिर भी आपकी कंप्लीट तरीके से हट सकती है, अदरवाइज कंप्लीट तरीके से हटना नहीं, क्योंकि एक बीमारी है और ये बहुत बड़ी बीमारी है, कोई छोटी बीमारी नहीं है कि ये हुई आज और ख़त्म हो गई, कोई फीवर नहीं है कि 4 दिन चला, 5 दिन चला, 6 दिन चला एंड देन ख़त्म, नहीं, ये एक बीमारी बहुत बड़ी है, इसको ज़िंदगी भर के लिए हमको उसका सेटलमेंट करना होता है, अपनी लाइफस्टाइल को सुधार के, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले अगर हमको पता लग जाता है कि हमको ये है, तो सबसे पहले हमको डेयरी प्रोडक्ट होते हैं लाइक मिल्क, चीज़, क्रीम, बटर, मेयोनीज, के बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, इसे लेना बंद कीजिए। पर आप सडनली बंद नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे कम कर कर करके इसे प्रॉपरली अवॉइड कर दीजिए। अगर आप 2 मंथ्स में एक बार खा रहे हैं फिर भी चलेगा, पर अदरवाइज इसको बंद करना ही सबसे मेन सॉल्यूशन है। फास्ट फूड, जंक फूड बंद कर दीजिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि हम इटालियन खाते हैं, पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब कुछ खाते हैं, उसमें चीज़ की बौछार होती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, बट हम फीमेल्स की बॉडी को वो सूट नहीं कर रही है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए। वाइट चीज़ें जो होती हैं, हम वाइट प्रोडक्ट खाते हैं लाइक राइस, पोहा, स्वीट्स वगैरह, इन सब को भी बंद कर दीजिए। अगर हम कुछ ले सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, तो वो है दूध और छाछ, ये एक वाइट प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं और PCOD में तो काफ़ी अच्छे। इस चीज़ों को आप फिर भी ले सकते हैं, मतलब लेना ही चाहिए, और को आप धीरे धीरे अवॉइड करते करते ख़त्म कर दीजिए अपनी लाइफस्टाइल में से। इसका सेकंड पॉइंट ये है कि आप फुल डाइट कीजिए, डाइट प्लान मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी कि किस तरीके की डाइट है, आप धीरे 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 करिए, आप थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी लाएंगी तो प्रॉपर एक दिन चेंज हो जाएगा, पर थोड़ा थोड़ा लाना पड़ेगा। उसके बाद है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज है कि आप साइकिलिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं है, आप नहीं करते आप जॉगिंग कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, रस्सी कूद लीजिए, ये ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि जो लेग्स की एक्सरसाइज होती है इससे ही हमारे बहुत अच्छी तरीके से PCOD का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा वेट मैन बढ़ता है PCOD में वो बढ़ता है कमर के साइड में, हमारे थाइस बढ़ जाएंगी, हमारी वेस्ट बढ़ जाएगी, तो वो मैन उधर ही जमा होता जाता है। ये क्यों होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो इंसुलिन रेसिस्ट बन जाती है, कि वो हमारी बॉडी इंसुलिन रिड्यूस तो कर रही होती है पर हमारी जो सेल होती है, जो कोशिकाएं होती है, वो उसको पहचान नहीं पाती, आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि ये इंसुलिन मिल रहा है, वो लेती जाती है, जिससे डायबिटीज़ का खतरा हो जाता है, जिससे मोटा पौधा तो बढ़ता ही, क्योंकि PCOD है तो आपका वेट तो बढ़ेगा ही पड़ेगा, पर वो इस तरीके से हो जाता है कि आपकी डायबिटीज़ भी हो जाती है, कि अगर किसी को ये चीज़ मालूम नहीं पड़ती कि उन्हें PCOD और उसने अपनी लाइफ स्टाइल चलत नॉर्मल रखती जैसे थी वैसी रखी, तो कुछ सालों बाद आपको लगेगा कि आपको डायबिटीज़ हो गई। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि PCOD में वो इंसुलिन पहचान नहीं पाती, इनको मिल रहा और वो बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगती है, हमारा शरीर को, उनको भूख लगती है, हमें मीठा खाने की क्रेविंग होती है, कुछ ऐसा खाने की क्रेविंग होती है, हर चीज़ में थोड़ा तो मीठा मिला हुआ होता है ऑलमोस्ट चीज़ों में, तो हम क्रेविंग की वजह से वो चीज़ें खा लेते हैं कि भूख लग रही है हम खा लेते, थोड़ा थोड़ा करके इंसुलिन मिलते वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी बॉडी या तो बहुत वेट गेन हो जाता है या डायबिटीज़ हो जाता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फीमेल्स को हो जाती है इसकी वजह से। तो इसके लिए हमको क्या करना है, मैं आपको अब इसका ट्रीटमेंट बता रही हूँ। अगर आप गायना के पास जा रहे हो, 6 मंथ किट ले रहे हो, ओके फाइन, अगर नहीं ले रहे हो बेस्ट है, उसकी जगह पे आप क्या कीजिए, आपकी लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ों को ऐड कीजिए। जैसे आप सुबह उठते हैं तो गर्म पानी में 1 चम्मच जिंजर जूस, अदरक का जूस निकाल के उसमें 1/2 चम्मच दालचीनी पाउडर और 1/2 चम्मच शिकाकारी पाउडर डाल के पीजिए। इनमें से अगर कोई चीज़ नहीं है हटा दीजिए, स्किप कर दीजिए, पर जो है वो तो लेना स्टार्ट कीजिए। इसके लिए 3 मेन चीज़ें जो होती है जो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करेगी, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देगी, वो है
फर्स्ट करेला, करेले का जूस पीजिए, करेले की सब्जी बना के खाइए, कुछ भी जो करेला जिस वे में आप पी सकते हो, या फिर बाहर से मार्केट से करेला और जामुन का एक जूस मिलता है उसे लीजिए, उसे पीजिए, उससे भी काफ़ी आपको डेली रूटीन में लाना पड़ेगा उसको। सेकेंड वॉज आंवला, आंवला का पाउडर आता है आप उसे मिला के पीजिए, आंवला का जूस पीजिए, आंवला का मुरब्बा खाइए, मुरब्बा भी मीठा ना खाइए क्योंकि मीठे से ही प्रॉब्लम पड़ सकती है। नॉर्मली जो लोग आंवले को सुखा के खाते हैं खट्टा खट्टा, किसी को अच्छा लगता है तो वो खाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी पीसीओटी में। ये थी दो चीज़ें, करेला और आंवला। थर्ड वन इज़ मेथी दाना, मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स, अगर आपके पास इसका पाउडर है तो उसे पानी में मिला के पीजिए, इसकी सब्जी बना के खाइए, या आप रात को उसे भिगो दीजिए, सुबह का इसका पानी भी पीजिए, इसको भी खा लीजिए, तो ये पीसीओडी में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ट्रीटमेंट देगी। ये सब कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डाइट कीजिए, ये चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि आजकल जो हमारा एटमोसफेयर हो गया है, जो क्लाइमेट हो गया है वो सही नहीं है, हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, या कुछ लोग तो वो नहीं खाते, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि आपने ये खाया होगा तभी आपको ये चीज़ चुगी होगी, किसी किसी में ये शुरुआती दौर पे ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो हमारा शरीर हमारे साथ ऐसा ही कर लेता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इसका सॉल्यूशन निकालना ही सबसे बेटर रहेगा कि आप इसका ट्रीटमेंट जो मैं बता रही हूँ वैसे कीजिए। इसमें जो मैंने आपको हर्ब्स बताए हैं, दालचीनी, शिकाकारी, ये हर्ब्स का सेवन कीजिए दिन में दो बार। ये जो सब मैंने तीन चीज़ें बताई थी, फेनुग्रीक सीड्स, आंवला, करेला, इनको अपनी लाइफ स्टाइल में लाइए, प्रॉपर डाइट लीजिए, जिन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कह रही हूँ उन्हें अवॉइड कर दीजिए, गायना से पता लगाइए कि प्रॉब्लम कैसे होगी, क्योंकि पीसीओडी कैसी चीज़ से आप कंसीव नहीं कर पाते, जो फीमेल्स मैरिड की भी होती है उनको कंसीव नहीं हो पाता, कभी कभी तो बहुत कम चांसेस में हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं होता, तो पहले वो आपको बोलेंगे कि पीसीओडी की दवाइयाँ कीजिए फिर आप कंसीव करने की कोशिश कीजिए, तो पहले ट्रीटमेंट पीसीओडी का ही चलता है। अगर आप वो ट्रीटमेंट ले रही क्योंकि आपको इमीडिएटली ये काम करना है तो आप ट्रीटमेंट लीजिए, पर अपनी लाइफस्टाइल में सुधार कीजिए, क्योंकि 6 मंथ 1 ईयर तक ये ट्रीटमेंट चलेगा, उस ट्रीटमेंट के बाद अगर आपने फिर अपने लाइफस्टाइल को नॉर्मल कर लिया तो ये सब आपकी जो आपने दवाइयाँ ली है वो सब वेस्ट जाएगी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस वक्त तो आपको सही हो जाएगी, बाद में वो वही वाली वस्त सिचुएशन आ जाएगी जिसमें आप पहले जी रहे थे। तो इसलिए जो भी मैंने आपको बताए हैं वो कीजिए, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर मेल फीमेल दोनों हार्मोन होते हैं, सब में दोनों में होते हैं, बॉय में भी होते हैं, गर्ल में, अगर ज़्यादा अगर फीमेल के होते हैं तो वो फीमेल बनती, ज़्यादा अगर बॉय के होते हैं तो बॉय बनती, अगर किसी के अंदर मेल हार्मोन ज़्यादा बनने लगते हैं फीमेल के अंदर तभी हमको फेशियल ग्रोथ आने लगती है, क्योंकि फेशियल ग्रोथ लड़कों को आती है, लड़कियों को नहीं आती, पर इस वजह से ही हमारे हमको पीसीओडी हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिस्ट बनाने लगती है उस हार्मोन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है सिचुएशन, जिससे हमको बहुत पेन रहता है, हमारा वेट बढ़ जाता है, सब कुछ चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको डाइट करनी, डाइट मतलब ये नहीं कि आप खाना ना खाएं, जो डाइट में लिखा हुआ है वो खाएं, भरपूर खाएं, पर वो चीज़ें खाएं तो आपको उससे फ़र्क मिले, क्योंकि कुछ चीज़ें ही है जो हमारे बॉडी को उस चीज़ से लड़ने की क्षमता देगी, अदरवाइज़ जो आप नॉर्मल खा रहे हैं उनमें से मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो करेगी। अगर आप इनमें से कुछ भी खाते हैं जैसे मैंने बताया आंवला, मेथी, करेला, तो बेस्ट है, वो आपको अंदरूनी वैसे ही करेगी। आप मेथी दाना लेते हो उसके और भी प्रॉफिट है, अगर मैं स्किन केयर और हेयर केयर की भी हूँ तो मैं बता दूँ, अगर आप मेथी दाना खाएंगे तो आपके बाल बड़े होंगे, उसका वाटर अगर आप पियेंगे तो बाल बहुत अच्छे होंगे, उससे वेट लूज भी होता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे आंवला है, आंवला से भी बाल बहुत लंबे होते हैं, करेला है, करेला की सबसे अच्छी खासियत होती है कि वो आपका एक तो डायबिटीज़ होने नहीं देता, करेला एक ऐसी चीज़ जैसे कोई डायबिटीज़ नहीं होगी, डायबिटीज़ नहीं होगी तो वेट भी नहीं पड़ेगा, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं मिल जाता है। शिकाकारी वो बहुत अच्छा है इसके लिए, दालचीनी भी बहुत, दालचीनी खाने से पिंपल्स कम होते हैं, क्योंकि दालचीनी उन चीज़ों को लगाने से भी पिंपल्स कम होते हैं, ऐसे ही कुछ चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो अपनी लाइफ स्टाइल में कीजिए और फ़र्क पाइए। अगर इसके बारे में आपको कुछ भी पता है अदर इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रही हूँ तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं, इसके बारे में कोई क्वेरी है, ये सब मैं कोई गायना नहीं, आपके कहने में इस बारे में बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाया, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी अच्छी बात मालूम पड़ रही है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ये वीडियो यूट्यूब पर भी मैं डाल रही हूँ तो मेरे यूट्यूब के पेज को भी
सब्सक्राइब कीजिए, इस पेज को फॉलो कीजिए। ये चीज़ आप करके देखिए, आपको फ़ायदा पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ हम करके देखते तभी हमको फ़ायदा पड़ता है, सुनने से नहीं पड़ता। अगर आप इसमें से कुछ भी आदतें अपने में डालने लगोगे, आपने डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड कर लिए, आपने वाइट प्रोडक्ट अवॉइड कर लिए खाने के लिए, और मेरी बताई हुई चीज़ों में से कुछ चीज़ें भी करने की, तो आपको खुद को मालूम पड़ेगा कि आपकी बॉडी में फ़र्क हो रहा है, और यही बेस्ट फ़र्क होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, कुछ क्वेरी हो तो भी कमेंट करें। जब भी कोई आपको अच्छी चीज़ लगती है तो उसको लाइक करना बनता ही बनता है, क्योंकि ये वीडियो आपके रिक्वेस्टेड वीडियो में थी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट